इसी साल के अंत में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसी को देखते हुए राजस्थान की राजधानी जयपुर में पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का आवागमन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजधानी जयपुर में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए बड़े अलग अंदाज में आ रहे हैं। वो खुली जीप में आएंगे आज और इस जनसभा को महिलाएं इस जनसभा की जो बागडोर संभालेंगी। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो जगह जगह से राजस्थान के चप्पे चप्पे से आए हैं और उनमें बड़ा उत्साह है। आपसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं आप? मैं बाड़मेर जिला बालोतरा जिला से आया हूँ। शुभ नाम आपका? बाबूलाल परियार। बाबूलाल जी, किस तरह का उत्साह है कार्यकर्ताओं में? उत्साह उगम बहुत ज्यादा है। राजस्थान में 2023 में 160 बार सरकार बन रही है। 24 में मोदी जी वापिस प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे 138 का हमारा प्रण है कि जब तक हमारा शिवाना परिवर्तन, राजस्थान में परिवर्तन और 24 में मोदी जी, जब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। मोदी जी के जन्मदिन पे बाबा की बीज और भगवान महावीर जी के जन्मदिन पर और विश्वकर्मा जी के आरती दिवस पे हमने ये पढ़ लिया है। कार्यकर्ता हम आए, लाखों की संख्या में लोग आएंगे। कुल मिलाकर ये देखा जाता है शुरुआत में ही लोगों का कहना है कहीं ना कहीं आध्यात्मिक संकल्प भी है और साथ ही उमंग है, उत्साह भी है। आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस का कहना है कि इस बार जो उनकी पार्टी रिपीट होगी, सरकार बनाएगी, उस ये तो कांग्रेस का सपना है, सपना ही रह जाएगा। जिस तरह से किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए, महिला अत्याचार हुए, जो पेपर लीक हुए, राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। हमारे क्षेत्र से, शिवाना विधानसभा क्षेत्र से परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ है। आज आप जयपुर में देख रहे हो ये महासंकल्प यात्रा जो जनसमूह, आपात जनसमूह देखकर लगता है कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस सरकार को बदलने का मन बना लिया है। महंगाई राहत शिविर चलाए थे कांग्रेस, उसके बल पर दम भर रही है कि फिर से कांग्रेस रिपीट करेगी और महंगाई ने कहीं ना कहीं कमर तोड़ रखी है। अरे कौन सी महंगाई की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल के रेट है कहीं तो राजस्थान में। ये इसकी रेट कम कर दे, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। अच्छा आप बताइए, आप कहाँ से आए? पशुपतरा विधानसभा से आए हैं हम और भारी उत्साह है। और ये गवर्नमेंट जो रेवड़ियाँ बैठ रही है, रेवड़ियों का कोई लेने वाला कोई मिलता नहीं है। 4.5 साल तक ये गवर्नमेंट सोई रही है और अब जगी है और जगने के बाद लोगों के अंदर टेलीफोन रेवड़ियाँ बांटने का काम कर रही है। जिला हमारे को बालोतरा जिला बनाया है, मगर जिला नहीं, एक बिल्ला बना है। जिला कोई काम का नहीं है क्योंकि 4.5 साल तक ये गवर्नमेंट सोई रही है। राजस्थान में मोदी जी आ रहे हैं ठीक जो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले, आप क्या चाहते हैं, किस तरह का उत्साह आप में और क्या सोचते हैं कि मोदी जी क्या, किस तरह की घोषणा करके जाएंगे? मोदी जी जो भी घोषणाएं करते हैं वो सारी घोषणाएं अमल में आती होती है। मोदी जी आज पूरे भारत का नेता नहीं है, वो विश्व का नेता है और पूरा विश्व उसके सामने झुकता है। इसलिए हम सभी हिंदुस्तानियों को मोदी जी के ऊपर बहुत बहुत गर्व है और मतलब जो आने वाले 24 के अंदर इससे भी भारी बहुमत से जीतेंगे और मतलब जो है ये भारत, अखंड भारत वापस विश्व गुरु होगा। ये हम मतलब जो महिला आरक्षण बिल 10 साल बाद महिला होगा, ये कहना है। महिला आरक्षण जो मोदी जी ने दिया है, पहले लटका हुआ बिल था, इसको वापस पुनः सुधार कर और मतलब जो महिलाओं को भागीदारी दी, चाहे सत्ता में हो चाहे प्रशासनिक मतलब जो है सेवा में हो, महिलाओं को भी मनुष्य के साथ साथ में चलने का भारतवर्ष में पूरा मतलब जो अधिकार है। और जो मतलब जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया उसको मतलब जो है बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। मिलाकर देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में पूरा उत्साह है और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि फिर से मोदी की लहर इस बार विधानसभा चुनाव में भी चलेगी, लोकसभा चुनाव में भी चलेगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो आरक्षण, महिला आरक्षण बिल पेश किया है लोकसभा में, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनको इसका मैंडेट मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा और फिर से राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी।